नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 129 रन जा पहुंचा। न्यूजीलैंड ओपनर विल यंग 75 और टॉम लैथम 50 रन के स्कोर पर नाबाद लौटे, यानी दोनों के बीच ओपनिंग साझेदारी 129 रन की हुई। इससे पहले टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 345 रन बना सकी थी और टीम ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड फिलहाल भारत से 216 रन पीछे है। दूसरे दिन भारतीय टीम ने 57 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन न्यूजीलैंड का एक भी विकेट नहीं ले सकी। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनरों ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। दिसंबर 2016 के बाद भारत में किसी भी मेहमान टीम की ओपनिंग जोड़ी की ओर से ये पहली शतकीय साझेदारी थी। इससे पहले 2016 में चेन्नई टेस्ट में एलिस्टर कुक और कीटन जेनिंग्स ने इंग्लैंड के लिए 103 रन जोड़े थे। विल यंग ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 5500 रन भी पूरे किए और विल यंग ने 88 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी 50 पूरी की। वहीं टॉम लैथम का 21वां और भारत के खिलाफ छठा अर्धशतक था। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी का भारत में सबसे बढ़िया प्रदर्शन की बात करें तो ये साझेदारी न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी। कानपुर में भारत के खिलाफ शतकीय साझेदारी बनाने वाले टॉम लैथम और विल यंग्स की जोड़ी तीसरी ओपनिंग जोड़ी बनी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।